हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बीती रात आखिर ऐसा क्या हुआ बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर कि ये कहने पर मजबूर हुआ एल्वेश कि तेरे लिए तो मनीषा मैं लड़ूंगा। क्या अब मनीषा और अभिषेक के बीच में दूरियां आने लगी है? क्या एल्वेश बन रहा है मनीषा का बड़ा सपोर्टर? चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर बीती रात मनीषा थी काफी ज्यादा परेशान। जहां पर मनीषा की बात घर में कोई भी नहीं मान रहा है और उस वजह से मनीषा परेशान हो रही थी क्योंकि कोई भी ड्यूटीज नहीं कर रहा। ऐसे में मनीषा ने बीती रात एल्विश से कहा कि देखो, अभी तो हम कैप्टन है, जब हमारा कैप्टनशिप ओवर हो जाएगा ना, तब हम तुम्हारे सारे काम कर दिया करेंगे, तुम टेंशन मत लो। और इस पर एल्विश ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, काम तो मैं कर लूंगा, तुम तो वैसे ही बहुत अच्छी हो। जिस पर मनीषा ने कहा, हाँ हाँ बेफिक्र रहो, तुम्हारे सारे काम का ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एल्विश ने बड़ी बात कही। एल्विश ने कहा कि अबे तुम इन लोगों की चिंता मत करो, ये ड्यूटीज करें या ना करें, अगर अब ना करें ना तो मुझे बताना। तो ऐसे में मनीषा ने कहा, अरे छोड़ो, हमारे लिए कौन लड़ेगा भाई, यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, सब अपने लिए लड़ते हैं। इस पर एल्विश ने कहा, मैं लड़ूंगा ना तुम्हारे लिए, मैं सपोर्ट करूंगा ना तुमको, तुम काहे को टेंशन ले रही हो। ये सुनकर मनीषा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अच्छा चलो देखते हैं। लेकिन दोस्तों, एल्विश कहीं ना कहीं मनीषा के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करने लग रहा है क्योंकि उसको दिख गया है कि इस शो की सबसे स्ट्रांग और सच्ची कंटेस्टेंट अगर कोई है तो वो मनीषा है। अब ऐसे में क्या इसकी वजह से मनीषा और अभिषेक की दोस्ती में फर्क आएगा? क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।